मूवी देखकर एक बात जो बार बार दिमाग में आ रही थी कि यार इस तरीके की सोच कैसे रख सकते हैं लोग, और खासकर भारत के अंदर इस तरीके की सोच हमें देखने को मिल रही है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे खेल खेल में मूवी के बारे में। तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो 2 घंटे 10 या 15 मिनट के आसपास रखी गई है। 15 अगस्त को ये मूवी रिलीज हुई थी। वैसे 15 अगस्त को काफी सारी मूवी रिलीज हुई है और उनके ऊपर मैं कह सकता हूँ कि स्त्री 2 मूवी जो है वो काफी ज्यादा भारी पड़ रही है। वैसे इस मूवी का जब ट्रेलर आया था खेल खेल में मूवी का, तो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था। फिर सोचा कि यार रिव्यू करना है, रिव्यू करने के लिए देखनी जरूरी है, तो इसलिए मैंने इस मूवी को देखने का सोचा। तो ये जो मूवी है खेल खेल में मूवी, वो 2016 की एक इटालियन मूवी है परफेक्ट स्ट्रेंजर, उसका रीमेक है। और जो इटालियन जो ओरिजिनल मूवी है उसकी ऑलरेडी काफी सारी रीमेक भी बन चुकी है भारत के अंदर, हमें अब देखने को मिल रहा है। तो अब इसकी कहानी की हम चर्चा कर लेते हैं कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो जैसे कि अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमें कहानी क्या देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मूवी है उसके अंदर कोई नई कहानी, कोई नया सरप्राइज, कोई नया सस्पेंस उसमें नहीं जोड़ा गया है। वो जो ट्रेलर में है वही सेम कहानी मूवी के अंदर है। फिर भी जिनको नहीं पता है थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्वियसली वीडियो की लेंथ भी इंक्रीज करनी है। तो 3 कपल हैं और एक आदमी है, ये सब यानी कि टोटल 7 जो लोग हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि अपना फोन जो वो टेबल पे रखते हैं और जो भी फोन आएगा या जो भी मैसेज आएगा उसको सबके सामने पढ़ा जाएगा, ताकि सबके जो राज हैं वो सबको पता चल सके, कुछ भी किसी से छुपा ना रह सके, कौन किसको चीट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन कितना लॉयल है। वैसे कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा मजेदार था। तो अब चीजें आगे कैसे बढ़ती है, कहानी आगे कैसे बढ़ती है, इसका इसके लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि मूवी के अंदर क्या अच्छा है जो हमें ये मूवी देखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके अंदर कॉमेडी, जो डायलॉग जो बहुत बढ़िया एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए, उनको इस मूवी के अंदर इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए जो मजाक के जो डायलॉग डाले गए हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया है। फिर अक्षय कुमार की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी, क्योंकि जिस तरीके के फ्लो में उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी है या फिर जो उनके ऊपर कॉमेडी सूट करती है, जो हम काफी टाइम से मिस कर रहे थे कि इस तरीके की परफॉर्मेंस देखने का, या फिर जो एक कॉमेडी अक्षय कुमार को देखने का, वो हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। जो इन्होंने अक्षय कुमार जी ने बाकी जो कलाकार है उनके साथ जो कॉमेडी टाइमिंग या केमिस्ट्री जो बिठाई है वो काफी बढ़िया मुझे लगी। और जो मेन स्ट्रेंथ इस मूवी की मैं जैसे कहूंगा कि जो इसकी स्पीड है वो कम नहीं रखी है, मतलब स्पीड अच्छी है, लेकिन उसमें ऑडियंस कैसे कनेक्ट रहेगी, वहां पर ऑडियंस को एक मजाकिया डायलॉग के साथ उनको बांधे रखा है। इसके अलावा अमी विर्क का जो रोल है, उनका जो करेक्टर है वो पसंद आया, तापसी पन्नू का जो करेक्टर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। तो ये हो गई इस मूवी की अच्छी अच्छी बातें। अब इसके अलावा हम बात करते हैं इस मूवी के अंदर नेगेटिव पॉइंट क्या है। अब ये सीरियस चीज है जो इस मूवी के अंदर हमें जो एक मैसेज देने की बात करते हैं कि यार हमें इनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। मॉडर्न इंडिया हो गया है तो इस तरीके के जो रिलेशन है या फिर जो शादी होती है उसके अंदर कैसे इश्यूज निकल कर आते हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। तो यहाँ पर एक सीरियस चीजों के ऊपर हम बात करें तो देखो जो मूवीज होती है ना उनकी जो सोच होती है जो मूवीज के अंदर हमें देखने को मिलती है वो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। शायद कुछ लोग ये सोचे बगैर मूवी को देखने जाते हैं कि यार इसमें क्या ही सोच देखने को मिलेगी, हम तो एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखने जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो एंटरटेनमेंट के नाम पर वो लोगों के ऊपर वो सोच को डाल देते हैं। जो कान के कच्चे लोग होते हैं वो इस सोच के शिकार होते हैं, वो इस तरीके की सोच को ग्रैब कर लेते हैं जिससे उनकी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके का इसमें सोच हमें इस मूवी में देखने को मिल रही है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो ऐसा है कि वो एक दूसरे से प्यार करें, शारीरिक रूप से वो किसी के साथ अफेयर चलाएं, उससे कोई किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। चाहे हस्बैंड का किसी गैर औरत के साथ संबंध हो, चाहे वाइफ है उसका किसी गैर मर्द के साथ संबंध हो, उससे दोनों हस्बैंड वाइफ को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, जो हमें ये सोच इस मूवी में देखने को मिल रही है। कुछ टाइम पहले बैड न्यूज करके मूवी आई थी, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट डाला गया था। बड़े ही नॉर्मल तरीके से चीजें दिखाई गई कि हाँ यार एक वाइफ किसी मर्द के साथ सो रही है, किसी गैर मर्द के साथ सो रही है, कोई बात नहीं भाई साहब उसे हजम कर लो, एटलीस्ट प्यार तो तुमसे करती है ना। ये प्यार का जो टॉपिक लेकर ये लोगों के अंदर कचरा फैला रहे हैं ये बॉलीवुड पहले से ही चलता आ रहा है, मतलब ये सोच को समझने की जरूरत है। फिर इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, ये मुझे काफी ज्यादा घिनौना लगा कि एक लड़की जो 18 साल की हो गई है, जब उसके पिता को पता चलता है कि उसकी जो उसकी बेटी है उसके बैग में कॉन्डोम का पैकेट मिलता है, तो उसके जो पिता है उनका रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल सा होता है या फिर वो कुछ रिएक्ट करते ही नहीं है, उनको लगता है जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार 18 साल की हो गई है अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है यार जैसे करने दो अपनी मर्जी हो। तो यहाँ पर जो सोच हमें देखने को मिलती है, फिर वो बेटी अपने बाप को फोन करके कहती है कि पापा मैं रोहन के घर रुकना चाहती हूँ, रोहन ने मुझे अपने घर पे रुकने के लिए बोला है, बाकी जो फ्रेंड है उनको जाने के लिए बोल दिया, तो आज रात हम दोनों ही रुकने वाले हैं, तो मैं क्या रुकूं, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जो ऑब्वियसली वर्जिनिटी लूज के ऊपर ये क्वेश्चन कर रही थी कि मैं कर लूं या ना करूं, इसके ऊपर जो इसके पिता है वो महान सोच एक कूल ड्यूड बनने की कोशिश करते हुए जो जवाब देते हैं, कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारी लाइफ है, मैं नहीं बताऊंगा अच्छा क्या है बुरा क्या है, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम्हें एक बहुत
अच्छी एक मेमोरी मिलने वाली है, तो गो अहेड, आगे बढ़ो, कर लो, अपना सपना पूरा कर लो। वाह यार, ये सोच, एक भारतीय सोच हमें ये देखने को मिलती है। और ये सब चीजें जब हो रही हैं तो बॉलीवुड के जो कलाकार, इसके अंदर जो करेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, वो तालियां बजा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो कितना महान इंसान है, देखो कितना महान पिता है, अपने बेटी को रोक भी नहीं रहा है चाहे वो कुछ भी कर ले। वाह यार, भारत के अंदर इस तरीके की सोच कहां मिलती है, सिवाय बॉलीवुड को छोड़कर, जहां पे इस तरीके के कचरे को पनपाया जाता है, लोगों के अंदर घटिया सोच डाली जाती है। यही घटिया मानसिकता के साथ लोगों के अंदर कहीं ना कहीं उनके परिवार को, उनके उनकी सोच को बर्बाद करने का काम करती है। तो अब ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई मूवी कॉमेडी से भरपूर है, उसके अंदर एंटरटेनमेंट है, डायलॉग अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या सोच दिखाई जा रही है कल्चर के खिलाफ, समाज को तोड़ने के खिलाफ, तो क्या हमें वो मूवी एक्सेप्ट करनी चाहिए? क्या हमें कहना चाहिए कि यार मूवी वाकई में बहुत बढ़िया है, या हमें उन सब चीजों को एड्रेस करना चाहिए जो मूवी के अंदर वाकई में समाज को एक गंदा करने का काम कर रहे हैं? अब आप बोलोगे यार मूवी के अंदर कहीं ना कहीं मॉडर्न सोच दिखाई गई। इसमें कोई भी मॉडर्न सोच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न सोच के नाम पर सिर्फ ये दिखाया गया है कि सब लोग नंगे हो जाओ, बेशरम हो जाओ, और सिर्फ सिर्फ अपनी शारीरिक भूख मिटाओ। जो वाकई में इस मूवी में आप देखोगे वही पता चलेगा। एस्कॉर्ट को लेकर जो यहाँ पर चीजें दिखाई गई हैं, अरे यार कोई नहीं, बुला लो कॉल गर्ल को, तुम तो जवान हो, ये सब चीजें नॉर्मल हैं। ये सोच दिखाना, वर्जिनिटी लूज करना, इस तरीके की हस्बैंड वाइफ का किसी गैर मर्द गैर औरत के साथ अफेयर चलते हुए दिखाना, ये नॉर्मल चीजें दिखाना, ये कहीं ना कहीं एक मतलब घिनौना एक चीज लगती है यार। ये सोच कर, ये ऐसी सोच देख कर मुझे घिन आ रही थी। फिर इसके अलावा LGBTQ कम्युनिटी का जो इसमें दिखाया गया कि एक गे है, वो इस तरीके का रो रहा है कि यार मुझे समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अरे क्यों करे एक्सेप्ट यार, क्यों? समाज से पूछकर तुम बने थे, तुम जो बन गए हो ठीक है भाई, जो तुम्हें कर रहे हैं वो करो, समाज उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा। लेकिन इस चीज का क्या रोना हुआ कि समाज भी तुम्हें एक्सेप्ट कर ले? एक तरफ तुम बोलते हो कि हमें हमारी लाइफ है, हम जैसे मर्जी जिए, फिर एकदम तुम रोने लग जाते हो, अरे समाज हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अरे समाज की अपनी इच्छा है, समाज की अपनी सोच है, जो उनको करना वो करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तुम क्यों भीख मांग रहे हो किसी से, समाज एक्सेप्ट कर ले, वो नहीं करेगा तो नहीं करेगा यार। तो ये सब चीजें दिखाना, ये कहीं ना कहीं लोगों, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी मानसिकता पर बहुत गंदा प्रभाव डालता है। मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5/10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो आपकी इच्छा है इस तरीके की सोच आपको दिखानी अपने बच्चों को, डेफिनेटली मैं क्या ही कह सकता हूँ इसके अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।